सोनभद्र शक्तिनगर एनसीएल खड़िया परियोजना में कबाड़ और डीजल का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन 6 जुलाई की रात में लगभग 2 बजे डीजल माफिया द्वारा 26 डिब्बे डीजल भरा हुआ एक बड़ी खेप निकाल कर ले जाया जा रहा था। लेकिन मुखबिर द्वारा सूचना आए दिन मिल रही थी, पर डीजल चोरों द्वारा आए दिन डीजल चोरी खड़िया परियोजना से कर रहे थे। सोमवार के रात को सूचना मिला कि चोरों द्वारा 26 डिब्बे डीजल गैलन में भरकर ले जाया जा रहा है। सिक्योरिटी इंचार्ज ने इसकी सूचना शक्ति नगर प्रशासन को दिया। मौके पर पहुंचे प्रशासन व सिक्योरिटी ने 26 डिब्बे डीजल को अपने कब्जे में लिया। एक चोर पकड़ा गया, बाकी फरार हो गए। पूछताछ में जुटी सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया कि आए दिन सूचना मिल रही थी, जो हम लोग इसकी सूचना हेडक्वार्टर को भी दे दिए थे। चोरी का 26 गैलन डीजल व एक युवक स्थानीय थाने में दे दिया गया है। कार्रवाई चल रही है, इसका खुलासा बहुत ही जल्द किया जाएगा। हम लोग राजस्व को क्षति कतई नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन सवाल यह उठता है, आए दिन जो राजस्व को चोरों द्वारा कबाड़ हो चाहे डीजल माफिया द्वारा जो करोड़ों रुपए के चूना लगाते हैं, क्या इस चोरी को रुकवाने में जिला के मुखिया पुलिस अधीक्षक जी चोरी का खुलासा करते हैं या स्थानीय शासन प्रशासन द्वारा लीपापोती करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द आपको पूरी खबर का माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा खुलासा करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यह सवाल उठता है कि चंद पैसे का लालच देकर गरीब मजदूरों को माफियाओं द्वारा लालच दिया जाता है। इसमें मजदूर की जो गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो माफिया है उसका भी पुलिस अधीक्षक द्वारा खुलासा होना चाहिए। वह जेल जाना चाहिए, तभी जाकर परिक्षेत्र और राजस्व को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। खबर जगत 24 से सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट।